अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद, स्वागत है। जो नए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार किस तरीके से मदरसा के और संस्कृत के शिक्षकों को धोखा दे रही है, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए जवाहरलाल झा का पेमेंट कब मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जवाहरलाल झा का जो काम है वो लगभग लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है, फिर भी जवाहरलाल झा का पेमेंट नहीं आ रहा। तो मैं आपको आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा जवाहरलाल झा मामले को लेकर के असल में क्या चल रहा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि 2459+1 वाले मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट कब आएगा। तो पूरी की पूरी जानकारी देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, देखिए अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि जवाहरलाल झा से रिलेटेड हर ज़िला की लिस्ट जारी की गई थी कि हर ज़िला में इस दिन आवंटन किया जाएगा, जिला पदाधिकारी पे इस दिन पूरी लिस्ट जाएगी, उसके बाद है पेमेंट को जारी कर दिया जाएगा। बट आपको पता है कि पिछले साल यानी कि 2022 में बताया ये जा रहा है कि कुछ असाध्या किराम को जो पेमेंट मिला था वो पेमेंट जो है ज़्यादा मिला था। बट इस बार 2024 में जो सरकार पेमेंट देने जा रही है जवाहरलाल झा का, वो काफ़ी कम दे रही है। इसीलिए जितने भी मदरसा संघ के जितने भी मदरसा के शिक्षक हैं या फिर संस्कृत के शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों ने सरकार से अपील किया है कि इतना पेमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस तरीके से आपने 2022 में पेमेंट जारी किया था, उसी तरीके से 2024 में भी पेमेंट चाहिए, क्योंकि सरकार जो है सरकार का कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ पंचम और जो पष्टम मामला चल रहा है उसी का सिर्फ़ और सिर्फ पैसा मिलेगा और अदर्स तरीके का कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। इसी को लेकर आपको पता है कि बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है नोटिस भी जारी की गई थी और सरकार से रिक्वेस्ट किया गया था कि सरकार इस तरीके से क्यों कर रही है मदरसा प्लस संस्कृत के शिक्षकों के साथ, क्योंकि जब सरकार ने वादा किया था और जब पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जितने भी असाध्या किराम है, जितने भी शिक्षक हैं, जिन शिक्षकों का पेमेंट नहीं आया उन सभी शिक्षकों का पेमेंट जो है पूरा मिलना चाहिए। अगर 2 साल से बाकी है तो 2 साल तक का पूरा पेमेंट दीजिए उनको, अगर 3 साल से बाकी है तो 3 साल का पूरा पेमेंट दीजिए, अगर 5 साल का बाकी है तो 5 साल का पूरा पेमेंट दीजिए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने यही आदेश सुनाया था। बट अब जो अपडेट निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से, सरकार जो कह रही है कि जो पेमेंट है वो कुछ ही दिनों का पेमेंट को जारी किया जाएगा, शिक्षकों को पेमेंट दिया जाएगा। इसीलिए बाज़ाब्ते 4 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिस को भी जारी की गई थी। मैंने ऑफिशियल नोटिस को लेकर भी वीडियो भी बनाया था और बताया था कि मदरसा के और संस्कृत के शिक्षक किस तरीके से नाराज़ हैं, किस तरीके से गुस्सा चल रहे हैं कि सरकार इस तरीके से क्यों रवैया अख्तियार करके इतना कम पेमेंट जारी करने की बात कर रही है। तो ये थी जवाहरलाल झा मामले को लेकर। अब देखना होगा कि जवाहरलाल झा मामला को लेकर क्या सरकार कितना पेमेंट जारी करती है, क्योंकि सरकार का कहना है कि पेमेंट को कम जारी किया जाएगा, बट मदरसा के और संस्कृत के शिक्षक का कहना है कि जब से हमारा पेमेंट बाकी है, वो 1 साल से बाकी हो या फिर 2 साल से बाकी हो या फिर 4 साल से बाकी हो, हमें पूरी की पूरी पेमेंट चाहिए। ये मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों का कहना है। अब देखना होगा कि सरकार इन सभी शिक्षकों को कितने महीने का पेमेंट को जारी करती है। अगर इस बीच अगर कोई और अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका जो काम है वो काम हो रहा है। आपको पता है कि आवंटन में, जैसे अगर आपके शेवार ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो उन ज़िले का 18 तारीख को था, उसके बाद अलग अलग ज़िले का हो रहा है, गया ज़िले का भी हो चुका है, यानी कि इसको लेकर मैं पूरी वीडियो भी बना चुका हूँ कि लगभग लगभग 27 मई तक ये काम चलेगा। तो अभी ये वाला काम जो है 27 मई तक काम चलेगा। इस बीच जिस मदारिस के शिक्षकों का आवंटन हो जाएगा,
जिला पदाधिकारी को लिस्ट मिल जाएगी, उन सभी शिक्षकों का जो पेमेंट है वो सरकार जो है जारी कर देगी, यही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अगर वो वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको YouTube पे जाना है, YouTube पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और आपको पूरी वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी कौन से ज़िला का कब पेमेंट को जारी किया जाएगा। अब जो है दूसरी ये बात है कि 2459 वाले का पेमेंट कब आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2459 प्लस एक वाले भी काफ़ी शिक्षक परेशान है, काफ़ी शिक्षक जो है सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस तरीके से सरकार क्यों रवैया इख्तियार कर लिए, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सालों से इनका पेमेंट भी नहीं मिला। सरकार जो पिछली बार वादा की थी कि हम ईद से पहले पेमेंट दे देंगे, और आपको पता है कि ईद से पहले भी इन सभी शिक्षकों की पेमेंट नहीं आई, और आपको पता है कि इन सभी शिक्षकों का मदरसा की जांच भी हो चुकी है, फिर भी ये सारे शिक्षकों का पेमेंट नहीं आ रहा। तो देखना होगा, क्योंकि अभी 2459 प्लस एक को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अभी कोई भी वैसा न्यूज़ नहीं। अगर इस बीच में कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी 2459 वाले का, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।